खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। राजधानी दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर काम करने वाले ट्रक ड्राइवर की ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट में मौत हुई। मौत के बाद परिजन लगा रहे हैं इंसाफ की गुहार। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जिसकी पहचान मोनू के रूप में हुई है, जो कि 35 साल का है और यूपी के लूनी का रहने वाला है और करीब 6 सालों से मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कूड़ा उठाने का ट्रक चालक का काम करता था। ड्राइवर मोनू की पत्नी ने बताया कि उसकी 3 लड़कियां हैं और मोनू अपने घर में अकेला कमाने वाला व्यक्ति था, जो अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन आज उसकी एक्सीडेंट में मौत होने के बाद परिवार बेसहारा हो गया और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। साथ ही साथ परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और मोनू को इंसाफ मिले। वहीं दूसरी तरफ मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड का कहना है कि मैं मोनू की पत्नी को कंपनी हर महीने 15,000 रुपये की सहायता राशि देगी, साथ ही साथ उसकी 3 बच्चियों की पढ़ाई का खर्च भी कंपनी ही उठाएगी। क्या नाम है? रुक जाओ भाई। राहुल कुमार। राहुल जी, क्या है पूरा? कल सुबह मेरे पास 8 बजे 8:30 बजे के आसपास फोन आया। सुबह की शाम को? सुबह मॉर्निंग में, कि तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वो भी किसी अस्पताल वाले ने भाई के फ़ोन से किसी दोस्त के फ़ोन पे किया। उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया। मैं फटाफट बाइक लेके आया, सीधा अस्पताल में पहुंचा। मुझे किसी ने कोई मिलने नहीं दिया। मैं जैसे तैसे करके अंदर बढ़ गया। बढ़ने के बाद हेल्पर जो था उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। उससे मैंने पूछा, उस्ताद कहाँ है तेरा? उनको उस्ताद अंदर लेटा है, उसे भी कुछ नहीं पता था। मैंने वहाँ डॉक्टरों से पूछा, उन्होंने बताया कि तेरा भाई ख़त्म हो चुका है, ऐसा ऐसा अंदर है। मैं उससे मिला, मैंने कहा कि और कोई नहीं आया? उनका यहाँ पे और कोई नहीं आया। मैंने कंपनी वालों को फ़ोन किया, कंपनी के एक दो जो हेल्पर के साथ के थे उन्होंने कंपनी वालों को फ़ोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। पुलिस वाले ने हमारे बयान दिए, उनका क्या हुआ, कौन लगता है, कहाँ रहते हो। फिर वो बोलने लगे पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। मैं कहने लगा रुक जाओ, अभी हमारे रिश्तेदार हमारे बड़े आ रहे हैं। कोई नहीं, उनका नहीं नहीं आप बैठो, चलो वहाँ चल रहे हैं। वो सीधा ले गए अम्बेडकर हॉस्पिटल में उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए अंदर भेज दिया। भेजने के बाद फिर पुलिस वाले ने बोला कि चलो थाने चल रहे हैं। थाने की जगह हमें एक डी मॉल के सामने, छोटी सी चौकी है, उसके सामने लेकर गए। ले जाने के बाद वहाँ पे मेरे से बिगर पूछे किसी से, एक जो उनकी साथ था हेल्पर के साथ, उससे स्टेटमेंट लिया। लेने के बाद बोलने लगे यहाँ पे अंगूठे लगा दे। उसने अंगूठे लगा दिए। फिर उससे बोलने लगे आप ऐसा करो, आप अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो 2 अंगूठे कोरे कागज पे लगा दो। मैं उससे मने को बोल रहे थे नुके, मेरे से भी बोल रहे थे कि साइन कर दो, अंगूठे लगा दो। मैं कहने लगा हम खाली कागज पे कोई वो नहीं करेंगे, जो भी कार्रवाई होगी आप हमें फोन करना, हम 10 मिनट आधे घंटे के अंदर आपके पास आ। पुष्पा जी, क्या पता चला आपको और कब पता चला, क्या पूरा? अभी क्या इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें केवल एक्सीडेंट की पता है। देखो सर, मेरा भाई ये पड़ा हुआ है वीडियो में साफ, ये पड़ा हुआ है। इंसाफ दिला मेरे बच्चों को, इतना तो करो तो मेरे बच्चे ढंग से लिख पढ़ ले, कर ले। मैं 15,000 रुपए में, मुझे 15,000 में दे रही, मेरा आदमी मुझे ला के दो ना। मैं दूंगी हर महीने तुम्हें 15 ना 25 दूंगी मैं तुम्हें, मेरा आदमी मुझे ला के दो ना। मैं दूंगी तो मैं नकद दूंगी और एक दिन की भी लेट ही ना करने की। मैं चाहे कुछ भी करके दूं, मेरा आदमी वापिस ला के दो ना। ये देने की बात कौन कर रहा था ये आपको? ये चल जो आए
साहब नो बताओ, मैं दूंगी 20,000 रुपए, मेरा आदमी को लाके खड़ा करो ना, मेरा आदमी को लाके खड़ा करो, मेरे ससुर इतने बीमार रहते कौन करेगा मेरे बच्चों की फैमिली में, सर अब कोई कमाने वाला के बाद मेरा तो भाई था, दिन भर मेरे तो भाई से कमाने वाला, अब कोई भी नहीं बचा मेरा, बस तीन बेटियां हैं इनके, मेरे बेटे लड़के जो खत्म हुआ है गुजर गया है, पहले तो उसकी जो है हमें जो दाह संस्कार करना है वो दाह संस्कार किया जाए। क्या नाम था सर जिनकी मौत हुई है ड्राइवर की, और कहाँ के रहने वाले थे, थोड़ा उसके बारे में? मोनू है, पूरी डिटेल तो हमारे वैसे कहाँ के रहने वाले थे, लोनी से है वो। तो सर आपको संज्ञान में ये मामला पूरा कब आया था? और हमने पूरी फोर्स लगा दी थी कि भाई इनकी जो हर मदद हो सकती है पूरी मदद की जाए इनकी, किसी ने नहीं लगाई सर। बताइए अपना नाम। सर राम गोपाल है। राम गोपाल जी क्या बताइए है जी, कल वो परसों वो गाड़ी पे आया, कल सुबह आया, उसने ड्यूटी ज्वाइन करी, गाड़ी उसको दे दी गई, गाड़ी साइड पे लेके चला गया वो, कहाँ एक्सीडेंट हुआ कोई पता नहीं, किससे हुआ कि नहीं, इनको कोई नहीं, गाड़ियों का तो हाल कंपनी हाँ, वालों को कोई कंपनी वालों को कोई पता नहीं ना, हमारे घर तक इंफॉर्मेशन दी है जहाँ से मोनू आता है लोनी क्षेत्र से, कोई नहीं। आज यहाँ नहीं आते। 12:01 करीब फोन पे कॉल आई है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, ये उसका छोटा भाई है। अब जब किसी के साथ हदासा हो जाता, अचानक मैसेज मिलता है तो आदमी होपलेस तो वैसे ही हो जाता है। वो भी अस्पताल वालों ने फोन किया था हाँ। उनके फोन से फिर हॉस्पिटल का नाम नहीं बता रहे, कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ है, कहाँ नहीं है, बताओ आदमी क्या क्या करे, वो यहाँ आया, यहाँ कोई बता के राजी नहीं है। ये उसकी बीवी है और ये बेटी, ये बच्चियां हैं उसकी, कुछ नहीं होगा, ये तीन बच्ची हैं। अभी तक क्या करवाई रहा सर, परिवार के कहना है कि कल से अभी तक कोई करवाई नहीं, 48 घंटे हो गए सर, 48 घंटे। सुनो थोड़ा करे से कुछ नहीं होगा, एक एक आदमी आराम से बोल रहा है, हमारा लड़का जो है वो हमारा ड्राइवर ESI में भी कवर्ड है, मदद मिलेगी हमसे जो मदद मिलेगी, पलट दे दियो परिवार के, ये बच्चियां हैं इनकी, तीन बच्ची थी। क्या मामला संज्ञान में आया सर, पूरी बात क्या है जो आपको पता चली है वो बताइए। पूरी बात समझाने में के मेट्रो पिलर से टकराई है और टकराने के बाद जो है गाड़ी पलट गई है, पीछे से कोई ट्रक आ रहा था और ट्रक जो है वो ड्राइवर नीचे गिर पड़ा, हेल्पर भी नीचे गिरा, ड्राइवर के ऊपर से गाड़ी निकली है जो पीछे गाड़ी का नंबर याद है। अभी परिवार की तरफ से लिएगा क्या कुछ हेल्प, परिवार को आपकी तरफ से कब इन्फॉर्म किया गया था वो बता दीजिए। परिवार को हमारी तरफ से 10:30 नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली परिवार के, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताया, पर हमारे एम्प्लॉय जो है उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई सर, इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन तो गाड़ी का नंबर सर, नाम अपना बता दीजिए। मैं PK शर्मा बोल रहा हूँ। PK शर्मा जी, परिवार के क्या आर्थिक मदद मिल पाया या नहीं? बिल्कुल मदद करेंगे, जो मदद हम करेंगे अभी लोग मदद करेंगे इनकी, कोई ऐसी बात नहीं। इनके कह रहे हैं कि छोटे छोटे तीन बच्चे हैं, उनकी लड़कियां हैं, तीन बच्चे हैं, तीनों की मदद की जाएगी, ये घर वाले हमारी कंपनी करती आई है, ऐसा नहीं है हमारे फैमिली मेंबर की तरह है ये, ठीक है, हमारे ही बच्चे हैं ये, और मतलब जो इनकी मदद हम कर सकते हैं हम करेंगे। क्या करोगे भाई, कल से मदद करने में।